हेलो, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। तो झारखंड सरकार द्वारा जिला लेवल के लिए भर्ती निकाली गई है, जो कि वैकेंसी आप लोग का डिस्ट्रिक्ट मिलेनियर फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा है। तो पोस्ट डिटेल्स, एज, फीस, सैलरी और सारी जानकारी जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर चैनल में नए होंगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे जॉब के वीडियो कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही तक पहुँचे। चलिए बिना देर के हम सीधे वीडियो में चलते हैं। ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है आप लोग गोड्डा जिला के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी गोड्डा के द्वारा, जो कि वैकेंसी आप लोग का स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर्स के लिए है, हाँ ना। तो चलिए इसके बारे में हम लोग विस्तार से जान लेते हैं। तो ये जो वैकेंसी निकाली गई है, नंबर वन की जो वैकेंसी आप लोग का स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर गायनोलॉजिस्ट के लिए है, वहीं नंबर दो की जो वैकेंसी आप लोग का मेडिकल ऑफिसर पेडियाट्रिशियन के लिए, वहीं तीसरे नंबर की जो वैकेंसी आप लोग का सर्जन के लिए है, चौथे नंबर की जो वैकेंसी है फिजिशियन के लिए, और जो पाँचवें नंबर की जो वैकेंसी आप लोग का डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए, वहीं छठे नंबर की जो वैकेंसी आप लोग का मेडिकल ऑफिसर ईएनटी के लिए, वहीं सातवें नंबर की जो वैकेंसी आप लोग का मेडिकल ऑफिसर एनेस्थेटिक्स के लिए, और आठवें नंबर की जो वैकेंसी आप लोग का साइकेट्रिस्ट के लिए, और नौवें नंबर की जो वैकेंसी आप लोग का फॉरेंसिक एक्सपर्ट के लिए, वहीं दसवें नंबर की जो वैकेंसी आप लोग का रेडियोलॉजिस्ट के लिए, वहीं मेडिकल ऑफिसर के लिए कार्मिक नंबर की जो वैकेंसी है मेडिकल ऑफिसर के लिए। अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो इसमें से टोटल पोस्ट आप लोग का 62 पोस्ट है, हाँ ना। अगर इसके क्वालिफिकेशन के लिए बात करें तो इसमें क्वालिफिकेशन आप लोग का सभी में MBBS मांगा गया है, और जिस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करें, जैसे नंबर वन की जो वैकेंसी आप लोग गायनोलॉजिस्ट के लिए, तो इसमें आप लोग का गायनोलॉजिस्ट के अनुसार आप लोग का डिप्लोमा होना है। जिस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, हाँ ना, उस वैकेंसी आप लोग का डिप्लोमा होना चाहिए। अब चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है आप लोग का, जो 10th के मार्क के हिसाब से, 12th के मार्क के हिसाब से, और MBBS के, और आप लोग का PG और एक्सपीरियंस के अनुसार आप लोग का सिलेक्शन किया जाएगा। अब चलिए इसे देख लेते हैं आप इसे किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो इसे आप लोग का 80 पोस्ट के माध्यम से ऑफलाइन तरीके से आप लोग को अप्लाई करना है। तो इसका जो भेजने का आप लोग एड्रेस है, सिविल सर्जन ऑफिस गोड्डा, ये आप लोग का एड्रेस है। इसे आप लोग का SP पोस्ट के माध्यम से भेजना है। तो SP सिविल सर्जन ऑफिस इन फ्रंट ऑफ मेला मैदान गोड्डा झारखंड। आप लोग को इसे 9 सितंबर तक आप लोग को भरना है। इसका जो लास्ट डेट आप लोग का 9 सितंबर है, है ना। तो और इसका जो आप लोग का सिलेक्शन होने के बाद आप लोग का 15 सितंबर और 16 सितंबर को आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो अगर किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो इसमें आप लोग का कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, आप इसे जाकर कॉल से आपके कुछ पूछताछ कर सकते हैं। तो ये रही आप लोग का, देख सकते हैं ये फॉर्म, आप लोग को इसे फॉर्म को भर लेना है। हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो फॉर्म को इसके साथ साथ आप लोग को डॉक्यूमेंट अटैच करना, जैसे कि रिज्यूम आप लोग का, ऑल एजुकेशन का, कास्ट सर्टिफिकेट, प्रूफ फॉर एज, आप लोग का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सब आप लोग का अटैच कर लेना है, और आपको एड्रेस पे भेज देना है, जो कि आप लोग का सिविल सर्जन ऑफिस फ्रंट मेला मैदान गोड्डा में भेजना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे जॉब की वीडियो कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही तक पहुँचे।